प्रभु के वो नेत्र ऐसा लग रहा है कि भक्तों पर लगातार कृपा वृष्टि कर रहे हैं। श्रीमात्राघवदेशे कंच वरदम् स्वाचार्य वर्यम् श्रयेत् तानाथ समारंभाम् रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भ्यो नमः ओम प्रपन्नाभीष्ट संदोहा श्री राम करुणानिधे शिव शेषात विज्ञेया शेष महात्म राघवा सभ्रातिभिः समागच्छा पार्षदेन सह प्रभो आज्ञापयस्वदासं मर्चायै आगतम् अप्रेय कृपारत्न सांगं सहनम सशक्तिकं श्रीरामचंद्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे स्मरेत् कल्पतरुलोके रत्नसिंहासनं शुभं तन्मध्येष्टदलं पद्मं रत्नैश्च वेष्टितं स्मरेन्मध्ये दासरथिं सहस्रादित्यतेजसं विगतं रामं इन्द्रनीलमणिप्रभं कोटिमङ्गं विशालाक्षं विद्वद्वर्णाभरावृतं भाकोटिप्रतीकं किरीटेन विराजितं रत्नक्रैवेयकेयूरा रत्नकुण्डलमण्डितं रत्न कटिसूत्रैरलङ्कृतं श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं मुक्ताहारोपशोभितं दिव्यरत्नसमायुक्तं मुद्रिकाभिरलङ्कृतं राघवदुभुजं बालं राममेषस्मिताननं तुलसीकुत्तमरा पुष्पमाल्यैरलङ्कृतं कर्पूरकुरुक दिव्यगन्धानुलेपनं योगशास्त्रे सुभिरतं योगे संयोगदायकं सदा भरतसौमित्रा शत्रुघ्नैरुपशोभितं विद्याधरसुराधीशा सिद्ध्यगन्धर्वकिन्नरैः योगेन्द्रैर्नारदाद्यैश्च स्तूयमानमहर्निशं विश्वामित्रवसिष्ठादिः मुनिभिः परिसेवितं सनकादिमुनिः श्रेष्ठैः योगवृन्दैश्च सेवितं रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदं मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञम् आनन्दकरसुन्दरं कौशल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिं विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं ससुखैकहेतुं श्रीरामचन्द्रं आदिदेवं परात्परं राममहं भजामि इति पत्थं छन्दाय भगवच्छ्रीरामचन्द्रचरणारविन्दं समर्पये। Thank you.
त्याग तपस्या औदार्य विनम्रता सर्वस्व अर्पण कर देने की उद्दाम भावना सौंदर्य ऐश्वर्य सरलता सरसता ये सारे वैशिष्ट्य जहाँ एक साथ दिव्यता और पूर्णता को प्राप्त होते हैं वो नाम है प्रभु श्री राम। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं तारकम ब्रह्म स्वरूपम, श्री राम तारक है, भवतारक है, उद्धारक है, त्राता है, रक्षक है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। भारतीय आध्यात्मिक चेतना की प्राण वायु मेरुदंड है प्रभु श्री राम। भारतीय सनातन परंपरा के पालक पोषक संवाहक अधिष्ठाता हैं प्रभु श्री राम। श्री राम अर्थात सनातन संस्कृत सभ्यता का आधार, श्री राम अर्थात दुष्टों का दमन राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार, श्री राम अर्थात हर भय व्याधि बाधा का उपचार, श्री राम अर्थात लोक आस्था आशा विश्वास का जीता जागता संसार। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम् पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद परम ब्रह्म सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण परमात्मा पुरुषोत्तम रूप में प्रभु श्री राम ही तो है। उनके प्राकट्य से ही इस जगत को पूर्णता प्राप्त होती है और आज वही दिवस है श्री राम नवमी का दिन, अर्थात प्रभु श्री राम के इस धरा पर अवतरित होने का दिन, उनके प्राकट्य का दिन है। वेद पुराण उपनिषद ये सब विद्वत जनों के चिंतन मनन का विषय है, किंतु राम तो जन जन के हैं, लोक नायक है वो। यन्मधुनो मथ
सर्वव्यं परमग्नं रूपमन्नाति अम्मा तेनाहं मधुरो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाति अपरमो मधव्योऽन्नादो सानि ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः मधुपर्कं समर्पयामि इत्युक्त्वा आचमनीयं जलं समर्प्य शुभ्रवस्त्रेण मुखं सम्प्रो Thank you.
बाहु
भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव से पूर्व की जो पूजन प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है। षोडशोपचार पूजन किया जा रहा है और जिसमें पुनः भगवान का स्नान, पंचामृत, गंधोदक, सुगंध द्रव्य आदि से अभिषेक, तुलसी अर्चन और षोडशोपचार के अंतर्गत आने वाली और जो विधियां हैं उन्हें संपन्न किया जा रहा है। मंदिर के शिखर का वो दिव्य नव्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं। अलौकिक सजावट की गई है। गर्भगृह के अलावा पांचों मंडपों, रंग मंडप, नृत्य मंडप, गुढ़ी मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप सहित शिखर, परकोटे और सीढ़ियों को भी विद्युत झालरों से सजाया गया है। जय राम, जय जय राम, ऐसा भजन अपने मन में अथवा उच्चारण करके बोलकर कर सकते हैं। आप बैठे रहिए, शांति से खड़े रहिए, पीछे से कोई धक्का देने का प्रयास न करे। आगे काफी लोग बैठ गए हैं, अपने स्थान पर धैर्य से खड़े रहिए, भजन कर सकते हैं, करते रहिए। चलो री सर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय ओम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय भगवान के जन्म के पहले उनके आभूषण बदले जा रहे हैं। नए हार
मालाएं पहनाने की तैयारी हो रही है। श्री राम जय राम, भगवान का मुकुट बदला जाएगा, भगत को भोग लगाया जाएगा। श्री राम उतनी देर आप अपने स्थान पर धैर्यपूर्वक श्री राम जय राम जय जय राम नाम स्मरण नाम संकीर्तन करने की कृपा करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। ओ दशरथ राज दुलारे राम अरे भक्तन प्राण हरे राम। आप भगवान को 56 भोग लगाया गया है, लगाया जाएगा। एक उदासीन परंपरा के बड़े श्री महंत हैं स्वामी सत प्रकाशानंद जी महाराज, और लखनऊ का प्रसिद्ध 56 भोग। इन दोनों की ओर से 56 भोग भगवान को समर्पित किया जा रहा है। बाद में यथासंभव निकास मार्ग पर प्रसाद वितरण होगा। परिसर में मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए सभी मनुष्यों को, सभी श्रमिकों को, यहां की सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा कर्मियों को, सभी प्रकार के कार्यों में लगे सेवकों कार्यकर्ताओं को प्रसाद के वितरण का विचार है, और ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आप सबको जो इस 70 एकड़ परिसर में लगभग 7,000 लोग हैं उन 7,000 लोगों को ये आज प्राप्त होगा। ये 56 भोग 11:55 तक ये भोग है। श्री राम जय राम जय जय राम राम रक्षा स्तोत्र के 35वें श्लोक में कहते हैं, आपदा मम हरतारम दातारम सर्वसंपदा लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रभु श्री राम सभी आपदाओं को दूर कर सुख संपत्ति शांति अर्थात सभी संपदाओं को प्रदान करने वाले हैं। समस्त लोक के प्रिय ऐसे भगवान श्री राम को बारंबार प्रणाम है। मंदिर परंपरा के गायक यहाँ पर प्रभु का नामस्मरण कर रहे हैं। त्रयोदशाक्षर मंत्र का अपने दूरदर्शन पर पाठ किया जा रहा है, अपने मोबाइल पर अथवा एलईडी स्क्रीन पर आज के इस आयोजन का दर्शन कर सकते हैं। हमारे मणिराम दास छावनी के श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष भी हैं,
वो पधारे हैं। शहर में लगभग 100 स्थानों पर एलईडी वॉल्स, एलईडी के पर्दे लगे हैं। उन पर्दों पर नगर निगम की योजना से भी शहर के तमाम स्थानों पर बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं, अथवा अपने मोबाइल, अपने टेलीविजन पर राम जन्मभूमि पर राम जन्मोत्सव और सूर्य तिलक 11:58 से 12:02 तक 4 मिनट के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपने कुल में जन्मे बालक राम के ललाट पर तिलक लगाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए अनुसंधान विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान के वैज्ञानिक, उनकी डायरेक्टर, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के डायरेक्टर, उनके वैज्ञानिक, दूरदर्शन, प्रसार भारती, इसके सभी तकनीकी विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं। जिन लोगों ने 4 वर्षों तक लेबोरेटरी में बैठकर भगवान सूर्य की किरणों को पकड़कर भगवान के लल तक पहुंचाने का काम किया है, वो सभी वैज्ञानिक अभी यहां पर हैं, हमारे बीच में हैं, बेंगलोर से आए हैं, रुड़की से आए हैं। भाषा में अंतर होगा, वो अपने अपने ड्यूटी पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में चेन्नई से गोपाल कृष्णन, सेवानिवृत्त निदेशक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिन्होंने ये प्रयोग और इस मंदिर का भूकंप अध्ययन, वो भी आज यहां लाए गए हैं, वो हमारे बीच खड़े होंगे। हाँ, बैठे हैं, बैठे रहिए, बैठे बैठे बैठ रहिए। और सीबीआरआई के वर्तमान डायरेक्टर, वो भी हमारे आगे बैठे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आकाश विज्ञान की डायरेक्टर बहन जी, माता जी भी यहीं पर हैं कहीं, हाँ बीच में बैठी हैं। वो डायरेक्टर, आपने सुना होगा कि इसरो ने एक सूर्य का अध्ययन करने के लिए कोई मिशन भेजा है, वो भी आप ही के, उसकी ड्राइंग आपने तैयार की थी। इस प्रयोग के लिए सब यहां आए हैं, हमको इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। शांति से देखिए, भारत में यह प्रयोग शायद अपने में अद्भुत अनूठा है। आज अवधपुरी को इस प्रकार सुसज्जित किया गया है कि देखत दीन दयाल को धाम, इंद्र को लोक लजायो अयोध्या। साकेतपुरी में जिधर देखिए उधर भक्तों का रेला, सब चल पड़े हैं अपने उस मर्यादा पुरुषोत्तम की अनुपम छवि का दर्शन करने। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य, क्षमा, संयम, गंभीरता, विवेक, उदारता और वीरता जैसे उच्च मानवीय गुणों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आदिकवि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में राम को धर्म का जीता जागता स्वरूप बताया है। वो सुख दुख संपत्ति विपत्ति में एक समान रहते हैं। श्रृंगार हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि में श्री राम धर्म की प्रकट मूर्ति हैं। तभी कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम के आदर्श,
व्यक्तिगत और विश्व स्तर पर सभी के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसे अवतारी पुरुष का नाम हृदय में बसाना ही मन को पवित्र करने वाला और सुखद बदलाव लाने वाला होता है। भक्तों का उत्साह देखिए, सुरक्षा कर्मी भी इसमें शामिल हैं। रंग बिरंगी पोशाक पहने भक्तजन, उनमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी बस उसी प्रभु के नाम संकीर्तन में खोए हुए हैं। प्रभु का नाम जो उनको इस संसार रूपी वैतरणी से पार लगा देगा, उसी का नाम स्मरण, नाम चिंतन और नाम संकीर्तन करते हुए आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। रामनवमी मर्यादाओं और आदर्शों का अवतरण दिवस है, साथ ही शाश्वत सनातन और चिरंतन सत्य की अभिव्यक्ति का पुण्य क्षण भी है। हम सबको प्रतीक्षा है उस क्षण की, उस मध्याह्न के 12 बजे की, जब प्रभु प्रकटेंगे, अवतरित होंगे, उनका इस धरा पर जन्म होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी भक्तजन महंत नृत्य गोपाल दास जी और उनके शिष्यगण भी यहाँ इस क्षण के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं। सभी की शताब्दियों से चली आ रही मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। भव्य नव्य और दिव्य मंदिर में रामनवमी का ये उत्सव आयोजित हो रहा है। पूरी अवधपुरी में उल्लास व्याप्त है। दुदुम्बी बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नर नारी बाल वृंद सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हर मन हर्षित है, पुलकित है। श्री राम लला के प्राकट्य की घड़ी अब निकट है ना। 49 पवन सुरभित कर रहे हैं वातावरण को। प्रश्न उठ सकता है 49 पवन इसका क्या तात्पर्य है? भारतीय शास्त्रों में 7 मारुत अर्थात पवन का वर्णन है। ये 7 पवन है आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह। ये 7 मारुत 7 लोकों में विचरण करते हैं। प्रत्येक मारुति गण का प्रत्येक लोक में अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। इस प्रकार ये 7 को 7 से गुणा करने पर 49 की संख्या को प्राप्त होती है। रामचरितमानस तो अधिकांश लोगों ने पढ़ी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका दहन प्रसंग का उल्लेख करते हुए सुंदर कांड के 25वें दोहे में कहते हैं, हरि प्रेरित अवसर चले। तो ये 49 पवन इस समय सुरभित कर रहे हैं अवधपुरी अयोध्या के संपूर्ण वातावरण। श्री राम के प्राकट्य से ये सभी 49 पवन उल्लसित हर्षित। पृथ्वी लोक ही नहीं, इस दिव्य दृश्य का आनंद उठाने के लिए तीनों लोकों के सभी देवता गण भी इस समय अवधपुरी में ही विराजमान है। आकाश से अवधपुरी की ओर निहार रहे हैं कि कब प्रभु का प्राकट्य हो और कब वो नभ से पुष्प वर्षा करे। मनुष्य जन्म का सार्थक तभी माना जाता है जब मनुष्य सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर नाम स्मरण पूर्वक संसार रूपी भवसागर को पार कर मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारी संस्कृति में वेद पुराणों का ही हम अनुशीलन और परिपालन करते हैं। वेद पुराणों के अनुसार इस भूलोक में सप्तपुरियों का वर्णन है। उन्हीं सप्तपुरियों का मुकुटमणि है ये अयोध्या नगर। प्राचीनतम पुण्य नगरी अयोध्या का कोना कोना आज राममय है। आज ऐसा लग रहा है जैसे भक्त और आराध्य के बीच की दूरी मिट सी गई है। प्रभु भक्तों के साथ एकाकार हो गए हैं।
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम प्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। धूपम अघ्रापयामि दीपम दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम निवेदयेत्। ओम मानाभ्या आसेदन्तरिक्षग्गो शीर्षरोद्यौः समावर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयन्न अन्नपतेन्नस्यानो देहस्यानमेवस्या सुखमेनः दर्भासारिख ओर्जन्नोधे। गर्भगृह के अंदर प्रकाश बंद किया जाएगा। धान्यमसि धेनु हि देवान् प्राणायत बोधान यतवा व्याना यतवा दीर्घामान प्रसिद्धि मायुखे धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगर्भणात्मच्छिदरे पाणिना चक्षुखे त्वा महीनां पयोऽसि। ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि धेनुमुद्रया मृते कृत्य ग्रासमुद्रया सुमुखे कृत्य प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। सादासपाते मद्भूतं प्रेयामिन्द्रस्य काम्यं सानिं मेधा मायासि खद्गुसवाः चाम्मेधान् देवगणाः पितरश्च मासते ताया मामदया मेधायाग्ने मेधा विनं गुरसवाः मेधां मे वरुण ददातु मेधा मग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्मचक्षतरं च श्रियामश्नोतां मायि देवा दधातु श्रियामुत्तामां तस्य ते स्वाहा। हरिः ॐ पर्दा खोलो, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो।